कुछ नहीं होता है, हमें जो गाइडेंस मिलता है वो तीन चीजों से मिलता है। पहला गाइडेंस मिलता है मन से, दूसरा गाइडेंस मिलता है हमारे इंटेलिजेंस से, तीसरा गाइडेंस मिलता है हमें परमात्मा द्वारा, सुपर सोल जो हमारे हृदय में स्थित है। जब हम कई बार गलती करते हैं तो आवाज आती है ना, मत करो सुधर जाओ, या कई बार एक गिल्ट फीलिंग आती है। तो अब कैसे समझे कि हमको जो गाइडेंस मिल रहा है वो मन से मिल रहा है, इंटेलिजेंस से मिल रहा है, या परमात्मा द्वारा मिल रहा है। हरे कृष्णा। कई बार हमारा प्रश्न होता है कि हम दिल की सुने या मन की सुने, है ना। तो दिल करके कुछ नहीं होता है, हमें जो गाइडेंस मिलता है वो तीन चीजों से मिलता है। पहला गाइडेंस मिलता है मन से, मन बना होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारे डिजायर से, और ये डिपेंड करता है कि हम क्या इनपुट ले रहे हैं अपने आईज, ईयर्स, अपने स्किन, इन सारे सेंसेस के द्वारा हम जो इनपुट ले रहे हैं वो हमारा माइंड को बनाते हैं। जैसे हमने कभी गुलाब जामुन खाया हो और बहुत अच्छा लगा हो टेस्ट, तो हमारे डिजायर होगी, मन कहेगा बेटा गुलाब जामुन खाओ, बहुत मजा आता है गुलाब जामुन खाने से, है ना। तो ये पहला हुआ। दूसरा गाइडेंस मिलता है हमारे इंटेलिजेंस से, और इंटेलिजेंस डिपेंड करता है कि कैसा नॉलेज हम एक्वायर कर रहे हैं। अगर हमारा नॉलेज बेस्ड ऑन एडवर्टीजमेंट है ना, मूवीज है, तो फिर क्या होगा, जो हीरो बोलेगा वो हम करेंगे। अभी हीरो बोलता है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बढ़िया मजा आता है ना, तो हम कहते हैं हाँ हाँ हमारी भी होनी चाहिए, है ना। तो ये सारा इंटेलिजेंस डिपेंड करता है हमारे नॉलेज पे, है ना। एंड तीसरा गाइडेंस मिलता है हमें परमात्मा द्वारा, सुपर सोल जो हमारे हृदय में स्थित है। जब हम कई बार गलती करते हैं तो आवाज आती है ना, मत करो सुधर जाओ, या कई बार एक गिल्ट फीलिंग आती है, है ना। या कई बार एक छोटा बच्चा है, वो कभी नीचे गिर के उसका सर नहीं फटा, बट आप किसी बाउंड्री वॉल के पास रख दोगे तो डरेगा, ये किसने बताया उसको कि यहाँ गिरने से उसको चोट लगेगी। तो ये परमात्मा बता रहा है ना। एंड ये परमात्मा डिपेंड करता है कि हम कितना उनकी बात सुन रहे हैं, उसके बेसिस पे वो गाइडेंस देते हैं, है ना। तो अब कैसे समझे कि हमको जो गाइडेंस मिल रहा है वो मन से मिल रहा है, इंटेलिजेंस से मिल रहा है, या परमात्मा द्वारा मिल रहा है ना। तो इसीलिए बेस्ट है कि हम जो गाइडेंस लेते हैं वो गाइडेंस ले भगवद गीता से, भगवद गीता यथारूप से। क्यों? क्योंकि जब हम भगवद गीता का गाइडेंस लेंगे तो हमारा मन भी प्यूरिफाई हो जाएगा, इंटेलिजेंस भी, हमारा जो नॉलेज है वो भी प्यूरिफाई हो जाएगा, और जब हम भगवान की बात सुनेंगे तो परमात्मा का भी गाइडेंस बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमें जो भी गाइडेंस लेना है, हमें भगवद गीता और भागवतम जैसे अन्य शास्त्रों से लेना चाहिए। हरे कृष्ण।